बैक टू रुद्रस इंजीनियर्स क्रिएशन। दिस इज रुद्र एंड आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ मैंने काफी समय से वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे भी अपने स्टडीज पर फोकस करना था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट टुडे आई एम बैक। क्या आपने कभी इस फ्रूट को देखा है? जी हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है और इसका टेस्ट थोड़ा स्वीट होता है, थोड़ा सार खट्टा होता है, इसका कलर रेड होता है। पर आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये तो सबको पता होता है। वेट अ मिनट, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा इकलौता फ्रूट है जिसके सीड्स उसके अंदर नहीं होते। कहाँ होते हैं? उसके सीड्स उसके बाहर होते हैं, यानी उसके पील्स में होते हैं, जो कि इस तरह से अगर हम डिटेल्ड में देखें तो इस तरह से दिखाई देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए इसी तरह के नॉनस्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के लिए रेडी हो जाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो गिव अ थम्स अप। फैक्ट नंबर 10, थंडरस्टॉर्म। क्या आपको पता है कि इस अर्थ में पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स में कितने थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं? कैन यू इमेजिन? मैं आपको बता दूं, इस अर्थ पे पर मिनट यानी 60 सेकेंड्स में 2000 थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, यानी 60 सेकेंड्स में 2000 थंडरस्टॉर्म्स। व्हाट? जी हाँ, आपने सही सुना, पर मिनट 2000 थंडरस्टॉर्म्स। नंबर 9, हमारे प्यारे चंद्रमा, द मून। चांद के बारे में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि डे टाइम में हमारे चंदा मामा 106 डिग्री सेल्सियस हीट हो जाते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं, और नाइट टाइम में -152 डिग्री सेल्सियस ठंड हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन? फैक्ट नंबर 8, सोलर सिस्टम। नाम तो सुना ही होगा। तो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं? मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एक्सेप्ट वेनस। जी हाँ, वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है हर 243 अर्थ डेज पर। हर 243 अर्थ डेज पर वेनस क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इस रोटेशन को हम लोग रिट्रोग्रेड रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, वैसे बिल्ली सर दूध पी सकती है, पर क्या आपको पता है अगर उस दूध में आप चीनी मिला दोगे ना तो उस स्वीटनेस को वो टेस्ट ही नहीं कर पाएगी। जी हाँ, बिल्ली को स्वीटनेस टेस्ट करने का सेंस नहीं रहता है उसके टंग। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, अर्मिलेरिया नाम का एक फंगस है जो कि यूएस के ओरिगोन स्टेट में है, और वो एक नेशनल फॉरेस्ट में है जो कि 2200 एकड़ के जमीन में फैला हुआ है, और वो अभी भी बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 5, वॉर। अरे ये वाला वॉर नहीं है, वॉर का नाम सुनते ही हमारे मन में एकदम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे मन में आ जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला, काफी टाइम टेकिंग था यार। पर क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट टाइम वॉर कब तक, कितना समय तक चला? मैं आपको बता दूं कि सबसे शॉर्टेस्ट वॉर इस वर्ल्ड हिस्ट्री का नियर अबाउट 38 मिनट्स का चला था। जी हाँ, 38 मिनट्स का, इतना छोटा वॉर हुआ होगा। जी मैं बात कर रहा हूँ एंग्लो जंजीबार वॉर की, जो कि सुल्तान जंजीबार की मौत के कारण हुआ था, जो कि 27 अगस्त 1896 को 9 बजे शुरू हुआ था, जिसमें 500 डिफेंडर्स भी मरे थे। फैक्ट नंबर 4, हम लोग सब सोते हैं, मैं सोता हूँ, आप सोते हैं, जानवर सोते हैं, तो डॉल्फिन के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है कि जब वो सोती है ना, जब वो सोती है
तो उसका ब्रेन का हाफ पार्ट सोया हुआ रहता है, सिर्फ हाफ पार्ट ही सोया रहता है और हाफ पार्ट जगा हुआ रहता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप बता सकते हो कि इंसान के दिमाग और उसके आंख में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं कि इंसान का आंख उसके दिमाग से छोटा होता है। लेट्स गेट बैक टू द फैक्ट। तो फैक्ट ये है कि एक ऑस्ट्रिच, ये जो पक्षी होता है, इसका दिमाग इसके आंख से बहुत छोटा होता है। फैक्ट नंबर टू, इंसान की लाइफ बहुत कीमती होती है, हाँ ये तो पता ही है। इस कीमती पलों में से दो हफ्ते, हाँ पूरे दो हफ्ते एक इंसान के ट्रैफिक जैम्स में गुजर गए। जी हाँ, ये एक सर्वे के द्वारा पता चला है कि इंसान के लाइफ के दो हफ्ते ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक लाइट में ही बीत जाते हैं। फैक्ट नंबर वन से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे एक थम्स अप भी दे, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलते रहे और मैं आपके सामने ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, आपका वेट कितना है? 40 kg, 50 kg, 60 kg? मेरा तो 40 kg, मैं तो बिल्कुल फिट हुई हूँ। पर आपको क्या पता है कि सूरज का कितना वेट है? आप सोच सकते हैं, सोच के देखिए आप। मैं आपको बताता हूँ, सूरज का वेट है 198900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 0
In short, 1.989 into 10 to the power 30 kilograms. तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सूरज का कितना वजन है तो आप उसे ये वीडियो जरूर देखें। सो इस कोरोना वायरस के समय में आप अपने घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ और मेरे वीडियोस के मजे लेते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।